जब अखिलेश यादव फांद गए दीवार, जेपीएनआईसी में जाने से रोका गया तो अखिलेश बैरिकेटिंग तोड़कर कूदे। राजनीतिक इतिहास में ऐसे दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जब इतने बड़े राजनीतिक कद के नेता कुछ ऐसा कर जाएं कि भीड़ बुरी तरह से चौंक जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई देख कर दंग रह गया। सपा के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच खड़े अखिलेश अचानक दीवार पर चढ़ते हैं और बैरिकेटिंग तोड़ते हुए दीवार फांद जाते हैं। बता दें कि ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। मौका था समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती का। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने गेट पर ताला लगा दिया था। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सेंटर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई। फिर क्या था, अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। दरअसल बुधवार सुबह करीब 11:50 पर अखिलेश यादव लखनऊ के जेपीएनआईसी पहुंचे, जहां 100 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात थी, जो उन्हें अंदर जाने के लिए रोकने की कोशिश कर रही थी। अखिलेश के जाने से पहले ही यहां समाजवादी पार्टी के समर्थक जुट गए थे, जो कि गेट खोलने और माल्यार्पण की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे थे। सपा के वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठे नजर आए, जिनमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय सचिव राम गोविंद चौधरी भी शामिल थे। जैसे ही अखिलेश वहां पहुंचे तो पुलिस फोर्स ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद अखिलेश दीवार फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए। उनका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज भी कसा। अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के गेट पर लगे ताले का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टिन की चादरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। सच ये है कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। बहरहाल दीवार फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर जाने के बाद अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसकी तस्वीरें सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर की और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि जेपीएनआईसी पर ताला डालकर भी समाजवादियों को नहीं रोक पाई अहंकारी सरकार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जेपीएनआईसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बता दें कि सपा का आरोप है कि एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माला पहनाने की अनुमति नहीं दी। समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी अनुमति मांगी गई थी। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को इसको लेकर एक पत्र भी लिखा था। अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम में माल्यार्पण करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेपीएनआईसी गेट बंद कर दिया गया। हालांकि अब इस ताले ने यूपी की सियासत में नया उबाल ला दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।